तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने बताया कि वे जब 13 साल के थे तब कोलकाता में एक बस में उनके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। उन्होंने कहा, राज्यसभा में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस संशोधन बिल 2019 का मजबूती से समर्थन करते हैं। ब्रायन के मुताबिक यौन शोषण के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा लोगों को आवाज उठानी चाहिए। ब्रायन ने कहा, नया संशोधन बिल बच्चों के यौन शोषण के दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान देता है। हमें चाहिए कि हम बच्चों को ऐसी किसी भी अप्रिय घटना के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करें। मैं बेहद भारी मन के साथ आपको बताना चाहता हूं कि 13 साल की उम्र में कोलकाता में एक बस में मेरे साथ यौन शोषण हुआ था। यह घटना तब की है जब मैं टेनिस खेलकर घर लौट रहा था। अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में बताना जरूरी। ब्रायन के मुताबिक इस घटना के बारे में वे कई सालों तक चुप रहे, लेकिन बाद में उन्होंने माता पिता को इस बारे में बताया। सदन में कई अन्य सदस्यों ने भी बच्चों को अच्छे और बुरे मकसद से स्पर्श करने के बारे में जागरूक करने की जरूरत पर बल दिया।